नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से पंडित अविनाश शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, देखिएगा। इन्होंने लिखा है, वैदिक जी को सादर प्रणाम, जय श्री सीताराम। एक सार्वभौम प्रश्न है जिसका उत्तर कई दिनों से मैं खोज रहा हूँ पर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। वो प्रश्न यह है कि अष्टकूट मिलाने में नारी दोष क्या केवल ब्राह्मण जाति के लिए देखा जाता है या फिर अन्य सभी जातियों में देखना चाहिए? कृपया प्रामाणिक उत्तर देने की कृपा करें, है ना अविनाश शर्मा। बहुत सुंदर प्रश्न है और काफी इसमें उलझन होती है। प्रायः ये पंडित जी पूछना चाह रहे हैं कि जैसे जब विवाह मिलान होता है वर और वधु का, तो उस समय अष्टकूट मिलाते हैं, यानी गुण मिलाते हैं। आठ चीज़ों को मिलाकर के गुण निर्धारित किए जाते हैं। वो आठ चीज़ें हैं जो वर्ण वर्णोवश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम भकूटंच नाड़ी चेते गुणाधिका। ये आठ भकूट हैं, अष्टकूट हैं। इन आठ कूटों के मिलान में अगर वो सही जैसा शास्त्र कैसे वैसा मिल जाता है तो पहले का एक नंबर, दूसरे का दो, तीन का चार, तीन चौथे का चार, इस तरीके से आठ तक के आठ नंबर मिलते हैं। और एक से लेकर के आठ तक की संख्या लिख करके आप जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो वो 36 गुण कुल मिलते हैं। इनमें से कोई जो नहीं मिलता है तो वो गुण कम हो जाते हैं, तो उसी आधार पर विवाह में गुण कम ज़्यादा होते हैं। तो एक ऐसी किंवदंती है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है, जिसका कई विद्वानों ने खंडन किया है, हमारे पूज्य गुरुदेव भी, और उसको ऐसे ही बतलाते हैं कि ये ऐसे ही चलने लगी है, इसका मूल मृग है, सोचना पड़ेगा, देखना है कहाँ कहाँ है, कोई पता नहीं है कहाँ कहाँ है। वो एक श्लोक है जो कि बहुत ज़्यादा लोग उसको बोल करके ऐसे कहते हैं कि भाई ये जो है, यद्यपि ये सभी गुण, ये आठ कूट हैं, ये सभी जातियों में देखना चाहिए, समान रूप से सभी के लिए है, परंतु कुछ पंडितों ने, कुछ लोगों ने इसको ऐसा कर रखा है कि भाई ये केवल एक एक गुण सभी जातियों में बांट रखे हैं कि भाई ये देख लो मिल जाए तो बस हो जाएगा, काम हो जाएगा। वे कहते हैं कि नाड़ी दोषोस्ति विप्राणाम, नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए देखना चाहिए केवल। अगर नाड़ी दोष आ रहा है तो ब्राह्मण लोग विवाह नहीं करें, अगर नाड़ी दोष क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के विवाह में आता है तो कोई दोष नहीं है, केवल नाड़ी दोषोस्त विप्राणा, ये पूर्व पक्ष है ना, ऐसा लोग कहते हैं। वर्ण दोषोस्त भूभुजाम, भूभुज माने क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों का जो है वर्ण दोष है, उनके लिए वर्ण दोष नहीं होना चाहिए, और बलि को और कौन से दोष बने रहे। वैश्यानाम गण दोषास्या शूद्राणाम यौन दूषणम, और वैश्यों में गण दोष तथा शूद्रों के लिए यौनि दोष का विचार करना चाहिए, अन्य दोषों का विचार अन्य जातियों के लिए भले न करे, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो परंतु ये मत शुद्ध शास्त्रीय नहीं है। विद्वानों ने, आचार्यों ने, पद्धतिकारों ने ग्रंथों में, और आचार्यों ने, पूज्य गुरुदेव ने भी ये निर्देश किया है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल उनके लिए ही देखना है। कुछ मनीषियों का ऐसा विचार है कि जो वर जो है, जिनकी राशि, राशियों के भी हमारे यहाँ वर्ण होते हैं, है ना, ग्रहों के भी वर्ण है, कौन से ग्रह, सूर्य चंद्र राहु केतु आदि जो ग्रह हैं, इनमें से कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कौन वैश्य शूद्र हैं, ये सब है। इसी तरीके से राशियां भी हैं, तो जो राशि, जिनकी राशि ब्राह्मण वर्ण की हो तो वो उसके लिए वर्ण का विचार करें, ऐसा किसी ने कहा है। तो दूसरे कहते भाई तो कन्या कोई निश्चित थोड़ी है कि कन्या उसी वर्ण की होगी,
फिर तो ये निश्चय करिएगा कि यही वर्ण मिलाना चाहिए। ये तो खैर पूर्व पक्ष ही है, ये ठीक बात नहीं है। वर्ण तो जन्मना जाति जो जिसकी है वही मिलाना चाहिए, और ज्योतिष के अनुसार ये इसकी जो चर्चा करनी है ये एक अलग तरीके का है। मुख्य बात ये अष्टकूट सभी के लिए देखना है, सभी जातियों के लिए। देखिए नाड़ी दोष मुख्य रूप से पंडित जी ने पूछा है कि नाड़ी दोष सबसे अंतिम है, तो नाड़ी दोष आठवां है, तो इसके आठ नंबर मिलते हैं। तो अगर नाड़ी दोष आ रहा है किसी में है तो नाड़ी तीन होती हैं, आदि मध्य और अंत, तो एक नहीं होने चाहिए। आदि बरकी और वधू की भी आदि है तो नाड़ी मिल गई अर्थात विवाह नहीं होगा। इसकी बरकी आदि है तो कन्या की अंत या मध्य होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है जिस अंत है तो आदि और मध्य हो, मध्य है तो कोई ना कोई भिन्न होनी चाहिए, अलग एक नहीं होनी चाहिए, ये बात है। और ये सभी जातियों में देखना चाहिए। देखिएगा ये ग्रंथ है ग्रह योग एवं दाम्पत्य जीवन, ये आचार्य श्री प्रियव्रत शर्मा जी का है। जो प्रियव्रत जी जो है बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, और अभी अभी उनका शरीर पूर्ण हुआ है, और वे जो है मार्तंड पंचांग के प्रवर्तक भी हैं। उनके तो पूर्व से ही चलता है, उनके पिताजी भी प्रवर्तक थे, संपादक थे ये भी, इन्होंने भी बहुत अच्छे कई ग्रंथ विचार पूर्वक लिखे हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि एक नाड़ी विवाहश्च गुणैः सर्वैः समन्वितः वर्जनीयः प्रयत्नेन दंपत्योर निधनम यतः। बोले एक नाड़ी जब विवाह में हो जाती है तो चाहे सभी गुण मिल रहे हों, यानी 28 गुण मिल रहे हों, लेकिन नाड़ी दोष आ रहा है तो विवाह नहीं करना चाहिए। एक नाड़ी विवाहश्च गुणैः सर्वैः समन्वितः, समस्त गुण मिलने पर भी एक नाड़ी वाले को वर्जनीय प्रयत्नेना वर्जनीय, वो प्रयत्न पूर्वक वो विवाह नहीं करना चाहिए, वर्जन करना चाहिए। क्यों? बोले दंपत्ति और निधनम यता, ऐसा करने से दंपत्ति के लिए वो पति पत्नी वर वधू के लिए जीवन पर खतरा है। निधनम यता बोले उनकी जो आयु कम होती है, मृत्यु का सूचक होता है, इसलिए ये नहीं करना है। और भी आया है कि नाड़ी एक होने पर पुत्र प्राप्ति में समस्या होती है, या तो उसके कोई पुत्र होगा नहीं, या जो बड़ी मुश्किल से होगा, अथवा जो है गर्भश्राव हो जाएगा, गर्भच्युति हो जाएगी, गर्भपात हो जाएगा, अथवा संड या विकृत पैदा होगा, या कन्याएं होंगी, ऐसा फल भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। एक नाड़ी के कुछ परिहार भी शास्त्रों में दिए गए हैं कि एक नाड़ी हो तो अगर ऐसा ऐसा हो तो एक नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। देखिए मुहूर्त चिंतामणि ये है, पीयूष धारा टीका है, इसमें लिखा हुआ है विवाह प्रकरण में 35वां श्लोक है, उसमें आचार्य चरण कहते हैं कि राशियै के चेत भिन्नम वृक्षम द्वयो स्यान् नक्षत्रैः के राशि युग्मं तथैव नाडी दोषो नो गणानां च दोषो नक्षत्रैः के पाद भेदे शुभं स्यात्। देखिए नाडी दोष के मुख्य रूप से तीन परिहार हैं, वो क्या हैं? दोनों की राशि एक हो परंतु उनके नक्षत्र अलग अलग हों, अथवा नक्षत्र एक हो राशि अलग अलग हो, अथवा नक्षत्र एक हो परंतु पाद वेद हो। जैसे कहा गया एक श्लोक का अंश बहुत प्रचलित है, प्रायः पंडित लोग इसको जानते हैं, सभी जानते हैं कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते। तो इसका वास्तविक अर्थ ये एक नक्षत्र तो हो परंतु पाद वेद होने पर दोष नहीं है, अर्थात नक्षत्र एक है लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग होना चाहिए। तो राशि एक, नक्षत्र अलग अलग, नक्षत्र एक, चरण अलग अलग, नक्षत्र एक, एक राशि, नक्षत्र अलग अलग,
एक राशि नक्षत्र अलग और नक्षत्र एक राशि अलग अलग, मतलब चरण वेद होना चाहिए, पाद वेद होना चाहिए। राशि के भिन्न वृक्षों, ये तीन तरीके के इसमें परिहार हैं। तो और चौथा भी पाद वेद का भी बतलाया गया है कि ऐसा ऐसा होने पर पाद वेद भी हो जाता है, तो पाद वेद से भी कुछ जो है परिहार हो जाता है। जैसे बतलाया गया है कि आद्यंशेन चतुर्थांशम, चतुर्थांशेन चाधिमम, द्वितीयेन तृतीयम च, तृतीयेन द्वितीयकम, ययोः भांशव्यधश्चैवं जायते वर कन्ययोः तयोर मृत्युर्न संदेहः शेषांशाः स्वल्प दोषदाः। अगर नाड़ी दोष आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। या ये ऊपर अभी जो तीन परिहार बताए गए हैं वो तीनों परिहार भी नहीं हो रहे हैं तब कह रहे हैं कि आद्यंशेन चतुर्थांशम। यदि कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है तो बहुत ज्यादा दोष है। क्या कैसा कैसा? कि यदि वर का आद्य चरण है, प्रथम चरण है, और चतुर्थांश कन्या है, तब चतुर्थ चरण किसी भी नक्षत्र का उसका पहला है, कन्या का चौथा है, अथवा वर का चौथा है चतुर्थांशेन चाधिमम और कन्या का पहला है, अथवा द्वितीयेन तृतीयम तु, वर का दूसरा और कन्या का तीसरा, अथवा कन्या का तीसरा वर का दूसरा है चरण नक्षत्र का, किसी भी नक्षत्र का जो चरण है, तो तयोर भांशव्यधश्चैवं जायते वर कन्ययो तयोर मृत्युन संदेह शेषांशा स्वल्प दोषदा। ऐसा करने पर, ऐसे नक्षत्र में जन्म होने पर यदि कोई विवाह आदि करता है तो उनमें दोष होता है, उनमें विवाह नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो फिर तयोर मृत्यु न संदेह, वो यही बात कह रहे हैं, तो उनकी जो आयु कम होती है और उनको संकट आता है, मृत्यु सूचक है ये इसमें बतलाया गया है। तो अगर इससे अलग है तो फिर कम दोष है, ऐसा इनका कहना है, ऐसा मानना है। कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग पूछते हैं, कई पंडित लोग पूछते हैं कि भाई नाड़ी दोष है और सब बात बन गई, आजकल विवाह भी तो कहाँ जो है विधि पूर्वक हो पा रहा है। पहली बात तो लोगों की इच्छाएं अलग अलग हैं, अब कोई ये थोड़ी देख रहा है कि ये गोत्र की है, ये ऐसा है ऐसा है, इस गोत्रा है, ये हमारे लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो अलग अलग विचार है, वो सब आप जानते ही हैं क्या क्या विचार चल रहा है। लेकिन जो लोग मानते हैं बहुत अच्छी बात है, मानना ही चाहिए। तो अपना पहली बात तो गोत्र नहीं मिले, प्रवर इत्यादि न मिले, है ना, और मातृ इत्यादि गोत्र की न हो, अपनी गोत्र की नहीं हो, ये सब बतलाया गया है। ये भी ऐसी वर से कुछ छोटी हो, और आज रूप रंग हाव भाव कुल योग्यता आज सब मिल गई, और सब चीज कुंडली इत्यादि मंगली भी देखते हैं, वो भी ग्रह मेलापक भाव मेलापक सब हो गया, लेकिन जो गुण मेलापक जिसे कहते हैं वो नहीं बनना है और उसमें नाड़ी दोष आ रहा है, ऐसी स्थिति आ जाती है। और लोगों का मन भी मिल गया है कि चलो ठीक है, अब हमारे ये परिवार अच्छा है और मेल खाता है, कर लेते हैं विवाह, पर नाड़ी दोष आ जाता है। तो कई लोग कहते हैं फिर नाड़ी दोष का कोई उपाय हो, कोई जप तप हो, कोई ऐसा हो उपाय हो तो आप बतलाइए। तो देखिए, तो यहाँ लिख रहे हैं कि नाड़ी दोषे जपादिकम, ये मूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका में जो है 34वें श्लोक में जो व्याख्या में आगे आचार्य चरण लिखते हैं कि नाड़ी दोषे जपादिकम, नाड़ी दोष होने पर जो जपादि का विधान है वो सुनिए कि तत्राप्यावश्यकत्वे गुरुः। अगर ऐसा हो जाए, कहीं कोई आवश्यक हो जाए कि वो नाड़ी दोष का परिहार करना हो, उसका दोष शमन करना हो, या जैसे बतलाया था कि लघु बहुत कम दोष है तो उसका जो है शमन करना है, तो ये परिहार बतला रहे हैं। क्या है कि दोषापनुत्तये नाड्या मृत्युंजय जपादिकम विधाय ब्राह्मणाश्चैव तर्पयेत कांचनादिना
रणमयीम दक्षिणाम चद्यात वर्णादि कूटके गावोन्नम वसनम एम सर्वदोषापहारकम। देखिए दोषापनुत्तये, समस्त दोषों का अपनोदन करने के लिए, नाड्या अथवा नाड़ी का दोष समाप्त करने के लिए, मृत्युंजय जपादिकम, अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार मृत्युंजय का जप करवाना चाहिए। ब्राह्मणान है ना, चैव तर्पयत कांचना देना, मृत्युंजय जपादिकम विधाया, मृत्युंजय जप इत्यादि करके और ब्राह्मणों को स्वर्ण दान इत्यादि करना चाहिए। ब्राह्मणाश्चैव तर्पयेत कांचना देना, कांचन माने सोना चांदी आदि दान करना चाहिए, आदेना। हिरण्यमयीम दक्षिणाम च दद्यात्, और जो जप किया है उसके उसकी भी स्वर्ण रूप में दक्षिणा देवे, दक्षिणा देवे मतलब, और वर्णादि कूट के, जो वर्ण आदि जो भी कूट बकूट आदि हैं, ये जो अष्टकूट हैं इनमें कोई भी यदि नहीं मिलता है तो उन सभी का परिहार ये बतला रहे हैं कि भगवान मृत्युंजय का जप, स्वर्ण दान और ब्राह्मणों का तर्पण माने भोजन आदि और स्वर्ण दक्षिणा, गावोन्नम वसनम हेमा हेमम होना चाहिए, गाव और अन्न माने गायों का दान, गोदान अन्नदान, वसन माने वस्त्रदान और हेम माने स्वर्ण दान, सर्व सर्व दोषापहारकम, जे समस्त दोषों के अपहारक हैं माने नष्ट करने वाले हैं ये काल। तो इन उपयुक्त वस्तुओं का दान, मृत्युंजय का जप, ब्राह्मण भोजन, स्वर्ण दान आदि करने पर ये समस्त दोषों का परिहार भी हो जाता है, तो ये अवश्य करना चाहिए। और नाड़ी दोष को सभी के लिए देखना चाहिए। इन्होंने भी, प्रियव्रत शर्मा ने भी यही लिखा है कि ये नाड़ी दोष सभी के लिए विचार करना चाहिए। और ये जो श्लोक है ये एक किंवदंती है, ये पता नहीं कहाँ का है, कोई जो है किस संदर्भ का है, कभी कोई ऐसे बना करके चला देते हैं लोग तो वो भी चलने लगता है मत, मुख्य मत नहीं है। मुख्य मत सभी को लिए नाड़ी दोष आदि का, समस्त दोषों का विचार सभी को करना चाहिए। और अष्टकूटों के अन्य भी परिहार हैं, ये तो नाड़ी दोष का परिहार इत्यादि बतलाया गया, और भी जैसे दोष है तो उसके कई परिहार हैं, ऐसा ऐसा हो है ना, वो राशिशों में मित्रता हो, राशिशों के नवांशों में मित्रता हो, तो ये दोष काफी दोषों का शमन हो जाता है, और भी कई परिहार हैं। ठीक है, हर हर महादेव।